हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप, आपका आर्ट, क्राफ्ट और डांस टीचर। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रॉ ब्लो पेंटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है स्ट्रॉ। आप पेन का जो कवर होता है वो भी ले सकते हो, ब्रश, पेंसिल, पोस्टर कलर, आप वाटर कलर भी ले सकते हो। यहाँ मैंने पोस्टर कलर लिया है। उसके बाद वाटर, पैलेट, रफ क्लॉथ। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का अपने जो ड्राइंग पेज है उसके ऊपर बनाएंगे और उसके बाद सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और डेट लिखेंगे। तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे स्ट्रॉ ब्लो पेंटिंग। तो उसके बाद हम जो मैं पेंटिंग बनाने वाला हूँ, आप वो डायरेक्टली बना सकते हो, पर आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एक फेस बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने ऊपर और नीचे दोनों भी साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस से पेंसिल से लाइन मार दी है इस तरह से। उसके बाद हम जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ से दोनों भी साइड से, राइट और लेफ्ट को दो दो फिंगर का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक फेस बनाएंगे। उसके लिए हम एक यू शेप बना रहे हैं। क्लियर करेंगे। उसके बाद उसमें आईज, नोज और उसकी नेक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने देख सकते हो आप नेक के लिए एक कार्टून से बना रहे फेस, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं देख सकते हो आप, और उसके आईज के लिए एक स्लिपिंग लाइन कर रहा हूँ और वहां दो छोटे छोटे ओवल शेप या सर्कल, यहाँ मैंने सर्कल बनाया। नोज सिंपल सा और माउथ, तो ये हो गया। थोड़ा सा क्लियर करेंगे, जो हमें लाइन नहीं चाहिए उसे हम रफ कर देंगे, जो क्लियर लाइन है उसे रख देंगे। हम ये ऊपर के साइड में दिखा रहे हैं क्योंकि हम जो ब्लो पेंटिंग है जो स्ट्रॉ से बनाने वाले हैं वो उसके बालों को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए उसकी आँखें हम ऊपर बना रहे हैं और ईयर। ओके, तो उसके बाद हम जो जितना भी बेसिक सा ड्राइंग बनाया है अभी उसे हम ब्लैक स्केच पेन या ब्राउन स्केच पेन, आपको जो स्केच पेन चाहिए उसे हम उसे आउटलाइनिंग करके लेंगे। समय ऊपर वाले जो साइड है उसे मैं उसी पेन से डार्क कर दूंगा। अब ऐसे लग रहा है कि वो ऊपर दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इरेजर लेके जितने भी हमारी जो एक्स्ट्रा जो लाइंस थी पेंसिल वाली उसे हम रफ कर देंगे, इरेज कर देंगे। जहाँ से ब्लो पेंटिंग करनी है हमें वहाँ हमें ओवल शेप कर दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ लिया है पोस्टर कलर, उसमें हम पैलेट में लेते हुए उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के, वाटर डाल के उसे हम कलर करते। उसके बाद ब्रश से हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो पेंसिल वाला जो लाइट किया था हमने हल्के हाथ से उसके ऊपर वो डॉट रखेंगे और स्ट्रॉ से उसे ब्लो करेंगे इस तरीके से। तो वो जो डिजाइन बनेगा वो एब्स्ट्रैक्ट बनेगा और उसके जो लाइन से वो किधर भी जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आपको किस साइड में उसका जो लाइन से वो जाना चाहिए इस हिसाब से आपको ब्लो करना है। आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग कलर के हम करेंगे। अभी यहाँ मैंने रेड कलर यूज किया है, मैंने यहाँ रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन दिया है। आप इसे एक कलर में भी कर सकते हो, वो दिखने में और अट्रैक्टिव लगेगा इस तरीके से। आप यहाँ वाटर कलर भी यूज कर सकते हो और यहाँ आप इंक कलर भी यूज कर सकते हो। इंक कलर में भी कलर्स में इंक आते हैं, जैसे ब्लू और ब्लैक और रेड है उसी तरीके से अलग अलग कलर में भी आते हैं, आप उसका भी यहाँ यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने ब्रश से यहाँ ड्रॉप छोड़े हैं, तो आप यहाँ
उसी कोई टूल होगा आपके पास तो उससे भी आप ड्रॉप, जैसे ड्रॉप होता है तो जो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या देख सकते हो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है अभी है, तो और दो कलर यहाँ मैं करूँगा इस तरीके से, और यहाँ ब्लो करो। जितना आप ब्लो करोगे, अभी मैंने जो पेपर की जो ऊपर वाला साइड में लिया है, मैंने और नीचे लिया होता तो मैं और ज़्यादा ब्लो कर सकता था उसको, तो मैंने ऊपर वाले साइड में लिया है। आप देख सकते हो थोड़ा सा बाहर गए तो इसलिए मैंने कपड़े से क्लीन कर दिया। आप ऊपर मास्किंग टेप भी लगाए तो आपके जो सीरियल नंबर और ये लिखा है हमने वहाँ नहीं जाता वो। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर कर रहा हूँ, देख सकते हो कि यहाँ जो फेस है उसके जो बाल है वो अलग अलग कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अट्रैक्टिव और इनोवेटिव ऐसा ड्राइंग है, तो आप ये देख सकते हो। तो अभी ये जो फेस है इसको भी हम कलर कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं स्किन कलर उसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर, और लिप्स के लिए यहाँ मैं रेड कलर का यूज़ करूँगा। और मैं जो अपना मैंने क्लॉथ लिया था या कॉटन से आप इसे मर्ज करोगे तो ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और एक जैसा उसका टोन आ जाएगा। के साथ हम थोड़ा सा रेड कलर, आप देख रहे हो यहाँ मैं रेड कलर नीचे सरफेस पे लिया है और उसको मैंने मर्ज करते हुए उसके जो उसके गालों के ऊपर मैंने इसे सिर्फ राउंड किया है, तो वो उसके जो ट्रांसपेरेंट जैसा जो से हम आई शेडो जैसे लगाते हैं उस तरीके से उस पर कलर आ गए हैं। तो अब इसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ब्राउन कलर से। तो स्टूडेंट, मैंने जो ड्राइंग बनाया है वो आपको भी बनाना है और उसका फोटो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज दो, तो ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप अपने आप कोई भी ड्राइंग जो मैंने बनाया वैसा ही नहीं, आप इस ये टेक्निक का यूज़ करते आप कोई भी ड्राइंग बना के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज सकते हो। थैंक यू।